नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल OMG बिहारी, ओ माय गॉड बिहारी। इस कोरोना वायरस के अपडेट में आपको बताता हूं नई जानकारियां। इस अपडेट में आपको बता रहा हूं कि भारतीयों पर कोरोना का क्या असर हुआ था, जो चीन से लौटे भारतीय थे उनकी क्या स्थिति है, जो केरल में 3 मरीज थे उनकी स्थिति, और जो ITBP के कैंप में रखे गए थे 658 भारतीय उनकी क्या स्थिति है। चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए चीन से लौटने वाले भारतीयों को अलग केंद्रों में रखा गया है। इनमें से 406 लोगों को दिल्ली में ITBP की निगरानी में और 252 लोगों को हरियाणा के मानेसर में भारतीय सेना की देखरेख में रखा गया है। फिलहाल ये लोग जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाए गए हैं। डॉक्टर्स की एक टीम ने फ्राइडे को यहाँ ITBP के अलग केंद्र से इन सभी लोगों के नमूने एकत्र किए थे। ITBP के एक रिपोर्टर ने रविवार को कहा कि सभी लोगों के नमूनों की जांच के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उचित मेडिकल प्रोसेस और प्रोटोकॉल के साथ जारी किए गए परामर्श के आधार पर सभी 658 व्यक्तियों को सोमवार से चरणबद्ध तरीके से छुट्टी दी जाएगी। क्या भारतीयों ने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है? चीन इन दिनों कोरोना वायरस की भीषण चपेट में है। हजारों लोग मारे गए हैं और लगभग 1 लाख लोग संक्रमित हैं। वैज्ञानिक दिन रात इस बीमारी की काट ढूंढने में लगे हैं, लेकिन कोशिशें नाकाम हो रही है। मगर भारत में इस वायरस को लड़ने की एक उम्मीद जगी है। ये उम्मीद इसलिए कहा जा रहा है कि केरल के त्रिशूर में कोरोना वायरस से पीड़ित एक शख्स अब तेजी से रिकवर कर रहा है। पहले जब उसका टेस्ट लिया गया था तो उसमें कोरोना वायरस पाया गया था, लेकिन जब इलाज के कुछ दिनों बाद फिर उसकी जांच की गई तो उसका रिजल्ट निगेटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर इलाज और दवाएं काम आई है। इस बीमार शख्स का सैंपल्स केरल में राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान की यूनिट की तरफ से लिया गया था। अब उस युवक के इलाज को लेकर स्वास्थ्य विभाग UIV की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। बता दें कि उसे 30 जनवरी को कोरोना वायरस से पीड़ित घोषित किया गया था। अभी तक भारत में कोरोना वायरस से 3 लोगों के पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। हजारों ऐसे लोगों को डॉक्टर की गहन निगरानी में रखा गया है जो इससे बुरी तरह प्रभावित चीन या फिर दूसरे देशों से लौटे हैं। जापान में डायमंड प्रिंसेस क्रूज पे 3 और भारतीयों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस बीच अमेरिका ने अपने 400 लोगों को वहां से निकाल लिया है। उनमें से 40 संक्रमित पाए गए थे। इन सभी को जापान में अभी 2 सप्ताह के लिए रखा जाएगा। बाकी लोगों को एक विमान से अमेरिका ले जाया गया है। उन्हें अलग एक मिलिट्री कैंप में रखा जाएगा, शायद टेक्सास के मिलिट्री कैंप में। अब अमेरिका में भय का वातावरण है, क्योंकि ये सभी लोग संक्रमित क्रूज से वापस लौट रहे हैं, तो ये संक्रमण अमेरिका में भी फैलने की आशंका हो गई है। इन सभी बातों से एक बात स्पष्ट है कि कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है, डरने से काम नहीं चलेगा। इस वायरस अपडेट में इतना ही। अगले अपडेट में जल्द मुलाकात होगी। अपडेट अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अपने हाथों को साफ रखें, हाथों से नाक और आँख को छुए नहीं बिना साफ किए हुए। हंसते रहें, मुस्कुराते